तो आखिर क्यों हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में इतनी तेजी देखने मिल रही है, आखिर क्यों बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी 50 और अदर इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रहे हैं, क्यों बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रहे हैं, क्या है इसके पीछे का रीजन। अगर मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से करूंगा तो आप लोग कहोगे कि मार्केट में इस टाइम पे बुल रन चल रहा है इसलिए ये सारे इंडेक्स और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर है। तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल सही हो, अभी मार्केट में बुल रन चल रहा है इसलिए ये सारे स्टॉक्स और इंडेक्स इतना अच्छा रिटर्न दे रहे हैं हमारे इन्वेस्टमेंट पर। पर क्या ये बुल रन कंटिन्यू रहने वाला है मार्केट में, क्या मार्केट में अब कभी भी मंदी नहीं आएगी? फ्रेंड्स देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि मार्केट में तेज़ी और मंदी दोनों एक ही सिक्कों के पहलू होते हैं। अगर आज मार्केट में तेज़ी देखने मिल रही है तो कल मार्केट में हमें मंदी भी देखने मिल सकती है। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मंदी क्यों आएगी और कब आएगी? तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों इंडियन स्टॉक मार्केट में अचानक से इतनी तेज़ी हमें देखने मिली और ये तेज़ी कब तक रहने वाली है और कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो बहुत ही अच्छा पैसा बना के दे रहे हैं और कौन से ऐसे आने वाले सेक्टर रहेंगे जिसमें बहुत ही अच्छा हमें पैसा बनता हुआ दिखेगा आने वाले कुछ सालों में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सूरज तिवारी, आप सब देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल द अनप्रेडिक्टेबल मार्केट। तो फ्रेंड जैसा कि आप सब ने सुना और देखा होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, सेंसेक्स ने 71,000 को पार कर दिया, बैंक निफ्टी ने 48,000 को टच कर दिया, निफ्टी 50 21,000 के अबाव चल रहा है। तो क्या इसके पीछे का रीज़न है, क्यों आखिर ये सारे इतना आउट परफॉर्म कर रहे हैं? तो उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि FII की इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स मैं आप लोग के सामने कुछ डेटा रखना चाहूँगा जिसे देख के आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे। फ्रेंड्स पिछले दो हफ्तों में, सिर्फ दो हफ्तों में FIIs ने 34,488 करोड़ का नेट इन्वेस्टमेंट किया है इंडियन स्टॉक मार्केट में, जिसकी वजह से हमें मार्केट में इतनी अच्छी अपमूव देखते हुए मिल रही है। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पिछले पाँच दिनों में यानी कि 11 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच में 21,641 करोड़ का नेट इन्वेस्टमेंट देखने मिला है हमें FII की तरफ से इंडियन स्टॉक मार्केट में। फ्रेंड्स अगर हम इस अमाउंट को कंपेयर करें पिछले के पिछले हफ्ते से, तो पिछले के पिछले हफ्ते में जो FII की नेट इन्वेस्टमेंट थी वो थी 13,847 करोड़ की, उसके बाद हमें उसके दूसरे हफ्ते में 21,641 करोड़ की इन्वेस्टमेंट देखने मिली, उसके बाद जो ये रनिंग वीक चल रहा है उसमें भी बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट हमें देखने मिल सकता है FII की तरफ से। तो क्या है इसके पीछे का रीज़न, क्यों सारे FIIs जो हैं वो इंडियन स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं? बहुत सारे स्टॉक मार्केट है पूरे वर्ल्ड में, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर इन्वेस्ट करके पैसा कमाया जा सकता है, पर क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट और इंडिया एक ग्रोइंग नेशन है जहाँ पर बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है उनको अपने इन्वेस्टमेंट पर, इसलिए वो अपने पैसे को इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर इंडियन स्टॉक मार्केट में तो बहुत सारी जगह है जहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कौन सा ऐसा स्टॉक है और कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पर FII सबसे ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो जानेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि क्यों FIIs इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा रीज़न है इसके पीछे का वो था US फेडरल की न्यूज़। US फेडरल की सेंट्रल बैंक ने अपने रेट को अनचेंज रखा है आने वाले एक सालों के लिए, यानी कि 2024 के लिए अनचेंज रहेंगे उनके इंटरेस्ट रेट थे, वो कंटिन्यू रहेंगे 2024 तक के। इससे हमें साफ साफ इंडिकेशन मिल सकता है कि आने वाले एक सालों में कोई बड़ा मूवमेंट हमें देखने नहीं मिलेगा, कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ हमें देखने नहीं मिलेगी जो स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करे। में इंडियन स्टॉक मार्केट में $4 बिलियन का हमें इन्फ्लो देखने मिला है। जी हाँ फ्रेंड, $4 बिलियन का इन्फ्लो देखने मिला है हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में। और जो सबसे बड़ा रीजन था इंडियन स्टॉक मार्केट को पंप करने में वो था इलेक्शन रिजल्ट, क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट रूलिंग पार्टी के फेवर में आया, उसके वजह से मार्केट ने बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिखाया। उस दिन हमें स्टॉक मार्केट में बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने मिला था और आने वाले इलेक्शन के जो प्रिडिक्शन थे उसे भी देखकर बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिला इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो फ्रेंड्स कौन से वो सेक्टर है और कौन सा वो स्टॉक है जहां पर सबसे ज़्यादा पैसा बन रहा है, जहां पर FIIs और DIIs कंटिन्यू अपने होल्डिंग को बढ़ाते जा रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन हमें देखने मिला है वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर का। सिर्फ 2023 में ही 20.1% का हमें यहाँ पे अपमूव देखने मिला टेक्नोलॉजी सेक्टर में, और लगभग $14.16 बिलियन का यहाँ पर हमें वेल्थ क्रिएशन देखने मिला है टेक्नोलॉजी सेक्टर में। फ्रेंड्स अगर हम कंपेयर करें 2018 से, तो 2018 में हमें इसमें 9.1% का अपमूव देखने मिला था, उसके बाद सिर्फ 4 साल में ही 20.1% का अपमूव देखने मिला है टेक्नोलॉजी सेक्टर में। फ्रेंड्स ये जो नंबर्स है वो कंटिन्यू बढ़ते रहेंगे, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट और इंडिया दोनों ही एक ग्रोइंग नेशन है और दोनों कंटिन्यू ग्रो करते रहेंगे।
उसके बाद जो दूसरा सेक्टर है जहाँ पे सबसे ज्यादा पैसे बने 2023 में, वो है कंज्यूमर एंड रिटेल का। फ्रेंड्स, कंज्यूमर और रिटेल में हमें 16.9% का अपमूव देखने मिला 2023 में, जहां पर जो वेल्थ क्रिएशन हुई वो ही $11,923 बिलियन की हमें यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन देखने मिली। फ्रेंड, अगर हम इसे कंपेयर करें 2018 से, तो 2018 में हमें 16.1% का इंक्रीमेंट देखने मिला था कंज्यूमर एंड रिटेल सेक्टर में। फ्रेंड, फाइनेंशियल सेक्टर तीसरा ऐसा सेक्टर है जिसने सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन किए 2023 में। लगभग हमें 16.5% का अपमूव देखने मिला है इस सेक्टर में 2023 में। अगर हम बात कर ले कितना वेल्थ क्रिएशन किया इसने 2023 में, $11,621 बिलियन का यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन देखने मिला हमें फाइनेंशियल सेक्टर में। उसके बाद अगर हम बात कर ले फोर्थ सेक्टर की, तो वो है ऑयल एंड गैस। फ्रेंड, ऑयल एंड गैस फोर्थ ऐसा सेक्टर है जिसने सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन किया है 2023 में। फ्रेंड, जहाँ पर लगभग हमें 14% का अपमूव देखने मिला है 2023 में, वहीं पर अगर हम बात कर ले कि कितना वेल्थ क्रिएशन देखने मिला है हमें ऑयल एंड गैस में, वो ये है $9,840 बिलियन का हमें वेल्थ क्रिएशन देखने मिला है ऑयल एंड गैस सेक्टर में। उसके बाद अगर हम बात कर ले फिफ्थ सेक्टर की, तो वह है फार्मा सेक्टर, जहाँ पर बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएशन होते हुए दिखाया हमें। अगर हम बात करें 2023 की, तो 5.3% का हमें ग्रोथ देखने मिला है फार्मा सेक्टर में। उसके बाद अगर हम बात कर ले कि कितना वेल्थ क्रिएट करके दिया है फार्मा सेक्टर ने अपने इन्वेस्टर को, तो $3,753 बिलियन का वेल्थ क्रिएशन करके दिया है फार्मा सेक्टर ने अपने इन्वेस्टर को। ये टॉप 5 सेक्टर थे जिसमें सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन हमें देखने मिली है इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो फ्रेंड्स, हमें ये तो मालूम पड़ गया कि कौन से सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पर आखिर क्यों ये सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आने वाले दिनों में क्यों ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उसके पीछे का रीज़न ये है कि अभी जो इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन में जो रिजल्ट आया वो रूलिंग पार्टी के फेवर में आया। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पॉलिटिशियंस आर द रियल पॉलिसी मेकर। अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी तो इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन GDP और इंडिया तीनों ही बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा जो आपको कल दोपहर को 1 बजे तक देखने मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।